नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऐतिहासिक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लापुरम अनौपचारिक शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चेन्नई कनेक्ट से हुई दोनों देशों के बीच नए दौर की शुरुआत। व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई भारत और चीन के वरिष्ठ मंत्रियों की समिति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दो अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में थोड़ी देर में पहुंचेंगे सियरा लियोन। वहां के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद कई करारों की उम्मीद। राजधानी फ्री टाउन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी सरकार की पारदर्शी नीतियों की वजह से आरटीआई की घटी जरूरत। केंद्रीय सूचना आयोग सम्मेलन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, सभी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना का घोषणा पत्र जारी। किसानों को कर्ज मुक्त और 10 रुपए में भरपेट भोजन का वादा। हरियाणा में INLD ने घोषणा पत्र में की किसानों और छोटे व्यापारियों के 10 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की बात। और विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची मंजू रानी। सेमीफाइनल में मैरीकॉम ने हराकर भी रचा इतिहास। विश्व चैंपियनशिप में हासिल किया रिकॉर्ड 8वां पदक। जमुना बोरो और लवलीना बोरगोहेन को भी कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता में भारत चीन रिश्तों को नई ऊर्जा मिली। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर आपको और चाइना के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु राज्य और ऐतिहासिक शहर चेन्नई सदियों से भारत और चीन के बीच हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का साक्षी है। मुझे खुशी है इस सांस्कृतिक धरोहर के कुछ सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों के आपको परिचित कराने का गौरव हमें मिला। एक्सलेंसी, पिछले 2000 सालों के अधिकांश कालखंड भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है। अब इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तमिलनाडु के तटीय शहर मामल्लापुरम में दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। साथ ही दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने दोनों पड़ोसियों के इस नए रिश्ते को चेन्नई कनेक्ट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश पिछले 2000 सालों के ज्यादातर कालखंड में आर्थिक महाशक्ति रहे हैं और फिर दोबारा इस ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वुहान बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी भावना के अनुरूप मतभेदों को विवाद की वजह नहीं बनने दिया जाएगा। एक्सलेंसी, पिछले वर्ष वुहान में हमारी इनफॉर्मल समिट से हमारे संबंधों में इंक्रीज स्टेबिलिटी और फ्रेश मोमेंटम आया है। दोनों पक्षों के बीच स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बड़ा है। हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रूडेंटली मैनेज करेंगे
और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे, एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेंसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। एक्सलेंसी, ये सभी हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं, इनसे हमें भविष्य में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। चेन्नई समिट में अब तक हमारे बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण विचार विनिमय हुआ है। वुहान स्पिरिट ने हमारे संबंधों को एक नया मोमेंटम और ट्रस्ट दिया। आज के हमारे चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि मामल्लापुरम अनौपचारिक शिखर वार्ता उनके लिए यादगार अनुभव है। उन्होंने पिछले साल वुहान बैठक का जिक्र किया और उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। Mr. Prime Minister, last year we held the first informal summit. Actually, this initiative was put forward by you, Mr. Prime Minister, and I agree that it is a good idea. Indeed, the Wuhan summit ushered China-India relations into a new stage of healthy and steady development. For the past 1 year or so, the informal summit continues to produce visible progress. We have deeper strategic communication, more effective practical cooperation, more diverse people-to-people and cultural exchanges, and we have closer cooperation on multilateral occasions. What has happened has proved that we have made the right decision to have this kind of informal summit, and we can well continue with this form of meeting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कश्मीर के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ये मुद्दा नहीं उठा। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच वैश्विक आतंकवाद और इससे पैदा होने वाले खतरे पर चर्चा हुई और उससे निपटने के उपायों पर बातचीत हुई। That this issue was not raised and not discussed, and therefore there is no question of my making any further comments on the matter. In any case, the government of India's position, as expressed publicly, is very clear. This is a matter that concerns the internal affairs of the country. The global threat that was there, including from ISIS and Daesh, were discussed. But again, a detailed discussion is not possible. They had a number of events and a number of issues to cover. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मानसरोवर यात्रा का मुद्दा भी उठा और यात्रियों की सुविधा पर बातचीत हुई। वहीं शी जिनपिंग ने नेपाल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन आने का न्योता दिया है, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री अगले साल चीन जा सकते हैं। Both leaders have agreed that many of the dialogue mechanisms which have been formed or which have been reformed since the Wuhan summit has created a very good momentum in the relationship. And that the engagement between India and China across all sectors has intensified. They also agreed that strategic communications have deepened and that this should be continued. And both leaders have therefore agreed that the informal summit provides a very good platform for the leaderships to engage. And President Xi Jinping endorsed the idea that we should continue these informal summits. The President did convey to Prime Minister that he was very satisfied with the discussions. He enjoyed talking to the Prime Minister. He looks forward to receiving the Prime Minister in China next year. और इससे पहले तमिलनाडु के कोवलम स्थित फिशरमैन कोव रिजॉर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच करीब एक घंटे बैठक चली। बंद कमरे से लेकर समंदर किनारे तक दोनों नेताओं की गुफ्तगू का सिलसिला चला। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सिर्फ ट्रांसलेटर ही मौजूद थे।
कोव रिजॉर्ट में प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्हें इको फ्रेंडली रिक्शा से वो कोव रिजॉर्ट ले गए, जहां दोनों नेताओं ने बंद कमरे में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा दूर करने के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के उप प्रधानमंत्री हू चुहा के नेतृत्व में काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान इसका निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत का एक अहम मुद्दा दोनों देशों के बीच व्यापार में संतुलन लाना था। दोनों नेताओं के बीच मामल्लापुरम में हुई शिखर वार्ता में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भारत में चीन से निवेश को बढ़ावा देने की बात कही। किन क्षेत्रों में निवेश हो, इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और चीन के उप प्रधानमंत्री हू चुहुआ की अगुवाई में बनी कमेटी तय करेगी। A new mechanism will be established to discuss trade, investment and services. This will be at an elevated level. From the Chinese side, it would be the vice premier. His name is Mr. Hu Chunhua. From the Indian side, it will be the finance minister of India, Srimati Nirmala Sitharaman. Decision on when and how this mechanism is to be activated will of course be done now through diplomatic channels. This is not something the leaders go through. And President Xi Jinping also then welcomed investments from India into China, including in the information technology and pharmaceuticals sectors. प्रधानमंत्री ने व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत में चीन के उत्पादों के निर्माण की सलाह दी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत में निवेश से चीन को फायदा होगा और भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। The two leaders also agreed that they should explore through this new mechanism the possibility of establishing manufacturing partnerships. And Prime Minister suggested that both sides could identify certain sectors, certain specific industries where investment could come in and where manufacturing would help create employment, create jobs and enhance the market for both sides. भारत और चीन के बीच अभी सालाना करीब 90 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें भारत का घाटा करीब 60 अरब डॉलर का है। वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने भारत का व्यापार घाटा कम करने के लिए कई चीजों का आयात शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता में हुई इस पहल से चीन से भारत के व्यापार घाटा को पाटने में मदद मिलेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और वहीं दो अफ्रीकी देशों के दौरे के दूसरे चरण की यात्रा के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोमोरोस से सियरा लियोन के लिए रवाना हो गए हैं। 13 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति सियरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के साथ मुलाकात करेंगे। बाद में उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और दोनों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति की अफ्रीका की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले नवंबर 2018 में एम वेंकैया नायडू ने बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मालावी की यात्रा की थी। उन्होंने इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये दौरा किया था। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी वैभव का। शुक्रिया। नमस्कार, चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अब 7 दिन ही बाकी हैं और धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों के पत्ते भी खुलते जा रहे हैं। घोषणा पत्रों के जरिए पार्टियों के एजेंडे की छवि साफ होती जा रही है। जहाँ एक ओर पार्टियाँ बाकियों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल से धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं।
जिसके बाद मुकाबला और भी दिलचस्प होने जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र में 4 दिन में 9 जनसभाएं करने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र के अकोला, पनवेल, पारतूर, पुणे, सतारा और परली में भी प्रधानमंत्री की जनसभाएं होनी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी महाराष्ट्र में कल चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की लातूर में पहली जनसभा होगी। इसके अलावा राहुल गांधी मुंबई के चांदीवली और धारावी में भी प्रचार करेंगे। वहीं हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए राहुल गांधी सोमवार को नूह में एक रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी पहली बार चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच में होंगे। वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने 16 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज इस बारे में जानकारी दी। जिन बागियों को कांग्रेस से बाहर किया गया है वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निष्कासित बागियों में पूर्व सांसद रणजीत सिंह, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष आजाद मोहम्मद का नाम भी शामिल है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। शिवसेना ने प्रदेश में 1000 ऐसे भोजनालय खोलने की बात कही है जहां 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। पार्टी ने किसानों को कर्ज मुफ्त बनाने का वादा भी किया है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30% की कटौती की भी बात कही गई है। पार्टी ने प्रदेश में ऐसे क्लिनिक भी खोलने का वादा किया है जहाँ लोग 200 तरह की बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और इसके लिए सिर्फ 1 रुपए फीस चुकानी होगी। देश की आर्थिक राजधानी माया नगरी मुंबई, मुंबई क्षेत्र में इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुंबई सिटी और मुंबई सब अर्बन की सीटें चुनाव के समीकरण बिगाड़ने और बनाने का मादा रखती हैं। वहीं वर्ली सीट पर इस बार सबकी निगाहें रहेंगी जहां से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, इसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज पैलेस होटल, मशहूर जुहू बीच और वर्सोवा बीच मुंबई की पहचान है। इसके अलावा बॉलीवुड की चमक भी दुनिया भर के लोगों को मुंबई की तरफ आकर्षित करती है। मुंबई क्षेत्र में महाराष्ट्र के 2 जिले हैं, मुंबई सिटी और मुंबई सब अर्बन। प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 10 सीट मुंबई सिटी और 26 सीट मुंबई सब अर्बन में आती हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो ये देश के सबसे घनी आबादी वाले जिलों में शुमार हैं और इन दोनों ही जिलों में बीजेपी और शिवसेना की जबरदस्त पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो मुंबई इलाके में बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद जबरदस्त बढ़त बनाई थी। 2014 में बीजेपी ने इस इलाके में 10 सीटों की बढ़त के साथ 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 में बीजेपी के पास इस इलाके की 5 सीटें ही थी। वहीं शिवसेना को भी पिछले चुनाव में यहाँ 10 सीटों का फायदा हुआ। शिवसेना ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया। 2009 में शिवसेना के खाते में 4 सीटें ही आई थी।
वहीं बात करें कांग्रेस एनसीपी की तो मुंबई रीजन में पिछले चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी को यहां महज 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2009 में कांग्रेस के पास इस इलाके में 17 सीटें थी, यानी 12 सीटों का नुकसान। वहीं शरद पवार की एनसीपी मुंबई क्षेत्र की 36 सीटों में खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि 2009 में एनसीपी को उस क्षेत्र में 3 सीटें मिली थीं। 2014 में मुंबई रीजन की 1 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट AIMIM को मिली थी। इस बार के चुनाव में मुंबई क्षेत्र में पड़ने वाली वर्ली विधानसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल है। यहाँ शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे प्रत्याशी हैं। वो ठाकरे परिवार से चुनाव मैदान में उतरने वाले पहले सदस्य हैं और उनका मुकाबला एनसीपी के सुरेश माने से है। मुंबई इलाके की सीटों पर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी दोनों ही महागठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। पिछली बार के मुकाबले सत्ताधारी गठबंधन इस बार मिलकर चुनाव मैदान में है, इसलिए बीजेपी शिवसेना के सामने 2014 के प्रदर्शन को और भी बेहतर करने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस एनसीपी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने वादों की झड़ी लगा दी है। इनेलो ने चंडीगढ़ में आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा के साथ साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक की बिजली के बिल में छूट देने की घोषणा की गई है। इनेलो ने छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों को का 10,00,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की भी वादा किया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में यह पहला विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ने यहां से मशहूर पहलवान बबीता फोगाट को मैदान में उतारा है, जिन्होंने इस सीट को हाई प्रोफाइल बना दिया है। नए जिले में अपनी धाक जमाने के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं। यह है हरियाणा का सबसे नया जिला चरखी दादरी। इसमें दादरी और बाढ़रा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा चुनाव में दादरी सीट पर सबकी निगाहें हैं। यहां से कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट, जो अखाड़े के बाद अब राजनीति में अपने विरोधियों को पटखनी देने में जुटी हैं। बबीता को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है, उस गंदगी को साफ करने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा, और जब अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो वो गंदगी को साफ कौन करेगा? तो उस वही साफ करने के लिए, और जो भ्रष्टाचार उसको खत्म कर, बुराइयों से हमारी लड़ाई है, जो कुरीतियां हैं समाज की उनसे हमारी लड़ाई है, और उनको ही ठीक करना है। बबीता का मुकाबला कांग्रेस के नृपेंद्र सिंह सांगवान और जेजेपी के सतपाल सांगवान से है। दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम तो समाज सेवी हैं, हमने काम किया है यहाँ पे, लोग हमें जानते हैं। लोगों का कहना कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो देश का रोशन किया है, पर राजनीति में तो बहुत फर्क है। सरकार ने दादरी में खास करके अगर एक ईंट भी लगाए हैं तो मैं उनका कसूरवार। दादरी के अंदर एक हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है, 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने अपने। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर यह पहला विधानसभा चुनाव है। रविन्द्र सिंह शिवराण, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव।
गृह मंत्री अमित शाह ने मानवाधिकारों को व्यापक नजरिए से देखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों के मानवाधिकारों की भी बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद मानवाधिकार हनन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पीड़ित लोगों और परिवारों के मानवाधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च है। संविधान के अंदर जो अधिकार सब नागरिकों को मिले हैं उसकी रक्षा करना सरकार का काम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अलग तरह से मानवाधिकार की लड़ाई लड़ी और इसमें सफलता भी प्राप्त की। हम सबका साथ सबका विकास के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आज जो एक प्रकार से प्रचलन में है कस्टोडियल डेथ और पुलिस एट्रोसिटी, ये दोनों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए। परंतु मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आतंकवाद से हजारों पीड़ित परिवार, मैं सिर्फ कश्मीर की बात करता हूं, 40,000 लोग 1990 के बाद कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। 40,000 लोग, उनके परिवारों का कोई मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकार आयोग ने भी ये सारी चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च है और संविधान के अंदर जो अधिकार सब नागरिक को मिले हैं इसकी रक्षा करना हमारा काम है, व्यवस्था का काम है, सरकार का काम है, मानव अधिकार आयोग जैसे संगठनों का, संस्थाओं का काम है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने की व्यवस्था मिले, वो भी उस दिशा में हमने आगे जाना पड़ेगा। संविधान के 125वें संशोधन विधेयक 2019 की पड़ताल करते हुए संसद के गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्य सचिवों और प्रतिनिधियों के विचारों को सुना। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक में CRPF, CISF, NSG जैसे बलों के महानिदेशकों ने भी अपनी बात रखी। इसके अलावा स्थायी समिति ने दिल्ली की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के प्रबंधन पर भी अपनी पड़ताल शुरू की है। इस बैठक में गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस के आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति के समक्ष तथ्य रखे। DDA, DMRC, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के प्रतिनिधियों ने भी समिति के सवालों का जवाब दिया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर लोधी का दौरा करेंगे। 11 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मंच का दौरा करेंगे, जबकि 12 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां आएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी ब्रुकलिन इलाके में हुई। घायलों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा TV पर।